हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट अ मैथ सब्जेक्ट क्लास 10 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 5। इन दिस क्वेश्चन गिवन हियर द इन अ क्लास टेस्ट, कोई क्लास टेस्ट है, द सम ऑफ 40 मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30, हैड सी गॉट टू मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, फाइंड हर मार्क्स इन टू सब्जेक्ट। ओके, हमें यहाँ पर दे रखा है कि शेफाली जो है मैथ्स और इंग्लिश दोनों के जो मार्क्स हैं किसी टेस्ट के वो कितने हैं, 30 है। कंडीशन दे रखी है इफ अगर मैथ्स में 2 मार्क्स क्या आए, मोर आए, अधिक आए, और इंग्लिश में क्या आए, 3 मार्क्स कम आए, तो उन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाता है, 210 हो जाता है। तो लेट कर दिया है हमने, शेफाली गॉट मार्क्स इन मैथ्स, मैथ्स में कितने मार्क्स गॉट किए उसने, एक्स, तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे, 30 माइनस एक्स क्यों हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का सम कितना दे रखा था, 30 दे रखा था मैथ्स का और इंग्लिश का, तो मैथ्स का हमने एक्स मान लिया, तो इंग्लिश का आ जाएगा 30 माइनस एक्स। कंडीशन दे रखी है इसमें इफ शेफाली गॉट मार्क्स इन मैथ्स, मैथ्स में जो शेफाली है वो कितने मार्क्स करती है, गॉट करती है 2 मार्क्स मोर, 2 मार्क्स उसके अधिक आते हैं, तो इंग्लिश में उसके मार्क्स कितने आते हैं, 3 मार्क्स कम आते हैं, तो 30 माइनस एक्स तो थे ही हमारे, 3 मार्क्स हमने कम कर दिए, तो 27 माइनस एक्स। देन द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या आता है हमारा, 210, प्रोडक्ट किसका, मैथ्स के और इंग्लिश का जो मार्क्स है उनका प्रोडक्ट कितना होगा, 210 होगा। तो मैथ्स के मार्क्स कितने हैं, एक्स प्लस 2 है, इंग्लिश के 27 माइनस एक्स, प्रोडक्ट कर देंगे 27 बन जाए 27x माइनस प्लस माइनस एक्स 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 स्क्वायर, 27 टू जा 54 माइनस प्लस माइनस 2x इक्वल टू 210 हो गया। 27x माइनस 2x ये माइनस और ये प्लस, डिफरेंस होगा, प्लस का 25x हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया और ये 54 हो गया। आगे सॉल्व करते हैं इसमें हम, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस का 54 है, माइनस कर देंगे 210 इक्वल टू 0, डिफरेंस करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x, 10 में 4 डिफरेंस किया 6 आ गया, यहां बचा हमारा 0, 10 आ जाएगा अगेन, 5 आ जाएगा 56 और ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा माइनस का सिंबल, 156 आ जाएगा इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे होल इक्वेशन में, तो एक्स स्क्वायर माइनस आ जाएगा ये 25x और ये आ जाएगा प्लस का 156 इक्वल टू 0। 156 के फैक्टर करेंगे कि ऐड होकर कितना आना चाहिए, 25, और मल्टीप्लाई क्या है, 156 आए, रिचेक करते हैं मल्टीप्लाई इसमें, फैक्टर करेंगे इसमें 27 जब 14, 28 जब 16, 23 जब 6, 29 जब 18, 313 जब 13 बन जाए 13, 32 जब 6, 2 जब 12, तो 13 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 का, 13 और 12 कितना हो गया 25, और 13 से 12 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 156। इसको राइट कर लेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस का 13 प्लस 12 और ये एक्स आ जाएगा 156 हो गया इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का 13x हो गया माइनस का 12x हो गया प्लस का आ जाएगा 156 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस 13 आ जाएगा, यहां पर माइनस का 12 कॉमन ले लिया हमने, तो यहां आ जाएगा हमारा एक्स माइनस आ जाएगा 30 इक्वल टू 0, तो एक्स माइनस की 13 की ब्रैकेट कॉमन आ जाएगी और यहां आ गया एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, तो एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। ओके, तो यहां से जो मैथ्स के जो मार्क्स हो जाएंगे, इफ
एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। अगर एक्स की वैल्यू 30 लेते हैं हम तो यहां से आ जाएंगे इन मैथ्स 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 में क्या था हमने एक्स लैड किया था तो एक्स वैल्यू कितनी आ गई 30 मार्क्स हो गए। इन इंग्लिश इंग्लिश में कितना था 30 माइनस एक्स था तो 30 माइनस 13 कितना लगा 70 मार्क्स हो गए। सो नहीं हो रहा है यहां राइट करते हैं इसके नीचे 30 माइनस 30 यह आ जाएगा हमारा 70 मार्क्स। ओके इफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 तो इन मैथ्स तो मैथ्स से मार्क्स हो जाएंगे हमारे मैथ्स की क्या वैल्यू एड की थी स्टार्टिंग में एक्स की थी तो मैथ्स के जाएंगे 12। इन इंग्लिश अगर इंग्लिश की बात करें हम इंग्लिश में कितना जाएंगे 30 माइनस एक्स तो ये जाएगा हमारा 30 माइनस 12 डिफरेंस आ जाएगा ये जाएगा 80 तो 80 मार्क्स हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक्सप्लेन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।